नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन के बारे में कि डिस्पर्शन क्या होता है। तो दोस्तों, जो वाइट लाइट होती है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर वाली जो लाइट होती है, जब वो प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करती है, जब वो प्रिज्म से पास होती है, तो प्रिज्म से पास होने के बाद जो डिफरेंट कलर हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर की जो मान लीजिए स्ट्रिप है, वाइट लाइट है, तो उन डिफरेंट कलर में एंगल डेवलप हो जाता है। जो पहले जो सेवन जो कलर हैं, रेड, ब्लू, वाइट जो भी हैं, वो पहले पैरेलल होते हैं। बिल्कुल पैरेलल होने के बाद जब वो प्रिज्म से पास होते हैं, तो हर एक कलर का उस मीडियम के लिए, जिस मीडियम से वो पास हो रही हैं, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो अलग अलग बैंड हो जाएंगे। बैंड होने से क्या होगा, उनके बीच में एक एंगल डेवलप हो जाएगा। जब वो अलग अलग एंगल डेवलप हो गया, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, मतलब वो सेवन कलर हमको जो है दिखने लगेंगे। ठीक है, कलर हमको दिखने लगेंगे, उसको हम बोलते हैं उसका डिस्पर्शन हो गया, कि भाई वो अलग अलग कलर में जो है बट गई। अब उनके बीच में जो एंगल डेवलप होता है, ठीक है, जो रेड और वॉयलेट के बीच में जो एंगल डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। तो इसको थोड़ा ना इस तरह से समझते हैं यहाँ पर दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर मैं आपको जो है यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ इस तरह से। ये लाइट, ये प्रिज्म है, ठीक है। अब प्रिज्म से क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये वाइट लाइट आ रही है, ब्लू है ये, ठीक है, इसको ऐसे ही रखो ये, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर वाली लाइट यहाँ पर आ रही है, तो इसका जो है ये बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, अब यहाँ पर रेयर से डेंसर जो है मीडियम में ये आ रही है, तो यहाँ पर जो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा। ये जो लाइट है ना, इसमें जो सेवन कलर की जो लाइट आ रही है, डिफरेंट कलर जो इसके अंदर पैरेलल डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो हर एक कलर का अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसके लिए, ठीक है। इस मीडियम के लिए रेड का कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ब्लू का कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वॉयलेट का कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये क्या होंगी, अलग अलग बैंड हो जाएंगी, अलग अलग बैंड हो जाएंगी, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये भी मान लेते हैं ऐसे जाती है, बैंड होने के बाद ये ऐसे गई, ऐसे वन टू ऐसे करके यहाँ पर जो है ये सेवन कलर हमको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक कलर फिर यहाँ पर मिलेगा, ये इस तरह से यहाँ पर ये सेवन कलर हमको मिल जाते हैं। अब ये जो सेवन कलर हमको मिलते हैं, तो सबसे ऊपर इसमें होता है रेड कलर और सबसे होता है नीचे इसमें वायलेट, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर रेड कलर है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए ये सबसे कम बैंड होता है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो ये इसलिए सबसे ज्यादा जो है डेविएट होता है, और ये सबसे कम डेविएट यहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का इसमें एक फिनोमेना होता है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन इसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन होती है, अ लाइट विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रेवलिंग इन पैरेलल डायरेक्शन पास थ्रू अ प्रिज्म आफ्टर रिफ्रैक्शन डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स बिकम डिफरेंट एंड एंगल इज डेवलप्ड बिटवीन देम। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये जो फेनोमेना होगा पूरा, जिसमें लाइट बिखर जाएगी अलग अलग कलर्स में,
जो व्हाइट लाइट है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन बोलेंगे। और रेड कलर और वॉयलेट कलर जो डेविएट होगा, इनके बीच में जो डेविएशन का एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अभी इसके बारे में बताऊंगा। दीज कलर्स आर डिवाइडेड इंटू सेवन टाइप्स ऑफ कलर। सेवन कलर देखो, वैसे तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले कलर भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन हम सिर्फ और इसमें जो है यहाँ पर सेवन जो कलर है उनको लेकर चलते हैं। तो ये हो गया डिस्पर्शन। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये रे है, ठीक है, ये ऐसे जानी चाहिए थी। ये भाई यहाँ पर होगी बैंड, ठीक है। ये कलर यहाँ पर आ रहे हैं, सबसे नीचे है वॉयलेट और सबसे ऊपर होता है रेड, ठीक है। अब ये वाला जो रेड है ये हो गया रेड का डेविएशन, सबसे नीचे वॉयलेट का डेविएशन। अब डेल वी माइनस डेल आर, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे के पास क्या आ गया, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। ये हमारे पास जो है एंगल ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। इसमें ना एक काम और करते हैं, देखो जो रेड वाली रे आ रही है इसमें रेड वाली रे में बहुत सारी रेड 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 करके जो है रे होंगी, ठीक है। इसी तरह से वॉयलेट जो रे है उसमें भी वॉयलेट की जो है बहुत सारी रेज होंगी। मान लो ये वाली जो है रेड रे आ रही है इस तरह से, ठीक है, ये वाली वॉयलेट रे आ रही है इस तरह से। सामने हमने रख दिया इनके क्या लेंस, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इनका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इनके बीच वाला जो एंगल होगा ये क्या है, एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है। ये इस तरह से होता है, अब देखो ये सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, सो म्यू बी, ठीक है। अब ये सबसे जो है कम डेविएट हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, वॉयलेट का ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, मतलब कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर से, या फिर जो है डेविएशन किसका ज्यादा है, वॉयलेट कलर का ज्यादा है किससे, रेड कलर से। तो ये दोस्तों हमारे पास जो है डिस्पर्शन होता है और एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन क्या होगा, प्रिज्म के थ्रू लाइट जाएगी, व्हाइट लाइट, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, उन कलर जो लाइट जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन उनके बीच क्या होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में बट जाएंगी, रेड कहीं और जाएगी, वॉयलेट कहीं और जाएगी, तो हमको कलर दिखने लगेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको उसका डिस्पर्शन बोलते हैं। अब वॉयलेट और रेड के बीच बनने वाला जो एंगल है उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अब इस एंगल ऑफ डिस्पर्शन को हम जो है निकाल लेते हैं, इस तरह से ही निकलता है। देखो ये रे आई, ठीक है, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, यहां से ये नॉर्मल से दूर हो गई, एक रे आ गई ये, ठीक है, और एक रे आ गई ये, ये रेड वाली है, ये वायलेट वाली है, ये डेल आर और ये डेल वी, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन डेल वी माइनस डेल आर, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए डी, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अब देखो ये डेविएशन कितना होता है, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ प्रिज्म। डेविएशन हमारे पास क्या होता है, म्यू माइनस वन एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इस मीडियम का,
माइनस वन, ये फॉर्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। लेकिन वायलेट के केस में क्या होगा, ये वायलेट के केस में होगा ये जितना ये डेविएशन हो रहा है वायलेट के लिए माइनस म्यू वी। अब जो है वायलेट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, ये मैंने बताया ना कि भाई वायलेट के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रेड के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तभी तो इसको ज्यादा ये बेंड कर रहा है और इसको कम बेंड कर रहा है। ये हो गया ये डेल वी के लिए। अब डेल आर के लिए क्या हो जाएगा, इसी तरह से म्यू आर माइनस वन, और ये फिर दोबारा से ए, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, ए डी एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस वन ए माइनस म्यू आर माइनस वन, म्यू आर माइनस वन, और ये फिर दोबारा से ए। एंगल और एंगल दोनों को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये ए और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, हम निकाल रहे हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, तो एंगल ऑफ प्रिज्म बाहर कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन, वन से वन हट गया, तो अंदर क्या आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर सिर्फ और सिर्फ, तो ये आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू आर। अब एंगल ऑफ जो है डिस्पर्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा होगा तो भी एंगल ऑफ डिस्पर्शन ज्यादा होगा, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो भी क्या होगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन यहाँ पर ज्यादा होगा। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिस्पर्शन और डिस्पर्शन क्या होता है। अब इसके बाद हम इसमें एक चीज और बात कर लेते हैं, पावर ऑफ डिस्पर्शन की। तो पावर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, पावर ऑफ डिस्पर्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिस्पर्शन डिवाइड बाय मीन डिस्पर्शन, मीन एंगल डिस्पर्शन, ठीक है, डिवाइड बाय मीन डिस्पर्शन। अब एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या लिया हमने, हमारे पास निकल कर आया म्यू बी माइनस म्यू आर और ए, ठीक है दोस्तों। अब मीन डिस्पर्शन इसमें हम क्या लेते हैं, मीन डिस्पर्शन इसमें हम लेते हैं जो येलो लाइट होती है, येलो लाइट का जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है उसके लिए, येलो लाइट के लिए क्या होगा, वो येलो लाइट के लिए हो जाएगा म्यू येलो टाइम्स ए, ठीक है। अब यहाँ पर ए से ए को हटा दो तो ये आ गई हमारे पास पावर, पावर इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर ओवर म्यू वाई, और ये म्यू वाई किसके लिए है, येलो कलर के लिए है। अब यहाँ पर देखो जो पावर है, अब एंगल और एंगल तो हट गए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म और ये एंगल ऑफ प्रिज्म तो हट गए, तो पावर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि इसके मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो पावर डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर, ना कि एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर, एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, पावर डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास पावर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। इससे पहले एंगल ऑफ डिस्पर्शन अभी कराया और डिस्पर्शन क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्पर्शन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन, पावर ऑफ डिस्पर्शन, ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।